सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लर्निंग। आज की इस वीडियो में जाने वाले ब्रेसोल टैबलेट और ब्रेसोल सिरप के यूजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे इसका उपयोग करते हैं, क्या फायदे होंगे, क्या क्या कैसे किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है, डोज क्या रहेगा, किस हिसाब से डोज रहना चाहिए और इसी के क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आप मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिले। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग जानने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ ब्रेसोल टैबलेट और सिरप। ठीक है, इन दोनों के टैबलेट और सिरप दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इनमें जो मेन कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है वो हल्दी, तुलसी और वसाका देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पर नेचुरल दवाइयों को मिलकर बनाया जाता है। ये एक बार की नेचुरल हिमालय कंपनी की नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। ठीक है, हिमालय कंपनी की एक मेडिसिन होती है। ये क्या होते हैं कि एक बार की एंटी हिस्टामिन के साथ साथ एंटी एनासाइलेटिक दवाओं की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये ब्रेसोल जो मेडिसिन होती है आपको ड्रॉप सिरप के साथ साथ टैबलेट फॉर्म में भी आता है। ठीक है, ब्रेसोल एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार की आयुर्वेदिक मेडिसिन, यहाँ पे आयुर्वेदिक होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके क्या क्या यूजेस के बारे में चाहते हैं। सो यूजेस ऑफ ब्रेसोल टैबलेट और सिरप। ठीक है, इन्हें किन किन कंडीशन में यूज कर सकता है। सो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर आपको डिजीज हो रही है तो उन सभी समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसका उपयोग श्वसन संबंधी समस्या जितने भी होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एलर्जिक कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, एलर्जी की स्थिति बन जाती है स्किन में फिर होल बॉडी में तो उन कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन का कंडीशन बन रहा है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अतः इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। क्या करता है, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। साथ ही इसका उपयोग म्यूकस और कफ रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उन कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही एलर्जिक राइनाइटिस में भी इसका उपयोग किया जाता है और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन कंडीशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इसके क्या क्या डोजेस हो, तो डोजेस के बारे में जानते हैं, डोजेस ऑफ टैबलेट और सिरप। ठीक है, ब्रेसोल टैबलेट और सिरप के डोजेस के बारे में समझते हैं। तो इसके टैबलेट को कैसे लेना है, तो आफ्टर मील इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नाश्ता करने के बाद या फिर खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी डोज कितना रहना चाहिए, तो 3 टैबलेट पर डे यानी TDS ले सकते हैं, दिन में 3 बार ले सकते हैं इस टैबलेट को। और कितना दिन तक लेना चाहिए, कितना समय तक लेना चाहिए, तो आप 4 to 2 weeks के लिए ले सकते हैं। साथ ही इस सिरप का इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसका भी इस्तेमाल आप आफ्टर मील कर सकते हैं। अभी मैक्सिमम कितना डोज रहना चाहिए, तो 3 teaspoons पर डे यानी दिन में TDS इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 4 to 2 weeks के लिए। ठीक है, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो साइड इफेक्ट ऑफ ब्रेसोल टैबलेट और सिरप। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट में आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला क्योंकि एक प्रकार की नेचुरल दवाइयों नेचुरल जड़ी बूटियों से मिलकर बनी होती है। तो इसके जैसे कि आपको स्टमक अपसेट की समस्या हो सकती है। ठीक है, नोजिया और हल्की फुल्की वोमिटिंग की समस्या हो सकती है। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। ठीक है, इसी प्रकार के मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल इस मेडिकल लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।